हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बैगन की एक यूनिक सा डिश जो आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैंने यहाँ पे 6 से 7 बॉयल्ड आलू लिया है, इसे हम मैश कर लेते हैं। आलू हमारा अच्छे से मैश हो गया है, इसमें हम फाइन चॉप किया हुआ है आधा प्याज डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा है, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़े से लहसुन की पत्ती है जो मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीखा के लिए आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बैंगन लिया है, ये लंबे वाले बैंगन लिए हैं मैंने, इसे हम कट करेंगे, इसका ये वाला पार्ट हम निकाल देंगे। अब इधर से भी ये देखिए, इसे हम सेंटर से कट करेंगे बराबर से, इसी तरह से इसे भी इस साइड से दोनों तरफ से बराबर कर देंगे कट करके। ये देखिए इधर से भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही हमें कट करना है। इसी तरह सारा कट कर लेते हैं। ये कट हो गया है, सारे बैगन को एक साइड रखेंगे, एक बैगन को लेंगे हम दोनों तरफ, फॉर्क या चम्मच लगा दे आपके पास जो भी हो इस तरह से, जिससे कि हमारा पूरा नीचे का पार्ट ना कट हो, ज्वाइंट रहे नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ये देखिए इसी तरह से हम सारा कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे बैगन कट गए हैं, अभी इसे हम बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट और लास्ट का पार्ट ऐसे लेंगे हम और इसे पकड़ लेंगे, इसमें हम बीच में फिलिंग को भरेंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़ी सी फिलिंग लेंगे साइड में, यहाँ लगाएंगे और ये दोनों को सटा देंगे, सारे में थोड़ी थोड़ी फिलिंग को भरते जाएंगे। बहुत ज्यादा ज्यादा हमें नहीं भरना है, जैसे तो शेप अच्छा नहीं बनेगा। इसे भरते जाएंगे और हाथों से प्रेस करते जाएंगे जिससे कि फिलिंग बाहर ना आए। ये देखिए बस इसी तरह से हमें सारा बनाना है। ये हमारा सारा बनकर तैयार है, इसके ऊपर से हम कॉर्नफ्लावर को डाल देंगे जिससे कि इसे हम फ्राई करेंगे तो इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। अच्छे से इसे कोट करना है कॉर्नफ्लावर में। ये देखिए ये हमारा अच्छे से कोट हो गया है, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, 2 टमाटर ली हूँ, इसे हम रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे,
और इसे हम पीस लेंगे। हमें बहुत फाइन नहीं पीसना है, दरदरा सा पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, इसमें हम बैंगन को डालेंगे। ये हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकालेंगे। आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हमें इसका ग्रेवी लगाना है। ये देखिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 सेकंड के लिए चलाते हुए भूनेंगे। और इसी टाइम हम अपना टमाटर प्यूरी भी डाल देंगे इसमें। मैंने उसी पॉट में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका मसाला भून लिया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो। हमने बैंगन में नमक डाला था, इसलिए हमें इसमें बस ग्रेवी के लिए नमक डालना है। और यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन का पत्ती ली है, इसे हम डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इन सबको 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे, या जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। हम पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो गया है, इसे हम चेक करेंगे तो हमारी ग्रेवी तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। इसके ऊपर से अपनी ग्रेवी को डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बैगन की यूनिक सी डिश बनकर तैयार है। ये देखिए, आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं और इसे ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर उसे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो आप सबसे पहले देख सके। इसी तरह से मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूंगी। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।